Redmi Note 8 Pro जी हाँ चाइना मार्केट में ऑलरेडी लॉन्च हो गया और 16 ऑफ अक्टूबर जी हाँ इस दिवाली का सीजन में यहाँ पर इंडिया में लॉन्च होगा। यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन तो सबके पास आ गया है, लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ इंडिया मार्केट में जब ये आएगा तो चार ऐसा चेंजेस है या चार ऐसा फैक्टर है जो आपको नया मिलेगा चाइना वेरियंट से और आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो ये सारे चार चीजों के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे, तो स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है टेक विद तिवारी जी। आज हम लोग बात करेंगे Redmi Note 8 Pro का चार फैक्टर जो कि आपको जानना चाहिए लॉन्च से पहले। तो चलिए डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। Redmi Note 8 Pro जी हाँ चार कैमरा वाला ये फोन जो कि आपको प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल के साथ आता है। Redmi के तरफ से ये पहला जो डिवाइस है जो 64 मेगापिक्सल कैमरा के सपोर्ट के साथ आता है, साथ ही इसमें 4500 mAh की बैटरी, 18 वाट का जो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, ये सब मिलता है। प्रोसेसर की बात करते हैं तो Helio का G90T मिलता है और काफी अच्छा है। तो अभी मैं बात करने वाला जो चार ऐसा चेंजेस है जो आपको इंडिया मार्केट में मिलने वाला है कम्पेयर टू चाइना मार्केट में। तो जब सबसे पहला है Helio का G90T, जी हाँ ये जो क्लॉक स्पीड के साथ आता है 2.05, जी हाँ यहाँ ये क्लॉक स्पीड के साथ आता है नॉर्मल वेरिएंट में, लेकिन इंडिया वेरिएंट में थोड़ा सा इसे ओवरक्लॉक करके आएगा और जैसा मालूम चल रहा है 2.01 का क्लॉक स्पीड के साथ ये आएगा, तो ओवरक्लॉक स्पीड के साथ आपको परफॉर्मेंस और भी इनहांस करके मिलेगा। जी हाँ यहाँ पर ये जरूरी है जानना क्योंकि यहाँ पर बैटरी का थोड़ा सा और हीटिंग का इश्यू दिख रहा था, तो यहाँ पर ये चीज को सॉल्व करने का कोशिश किया गया है। तो ये जो पहला था जो कि आपको चाइना वेरिएंट से आपको चेंजेस यहाँ दिखेगा, साथ ही आपको मालूम चल रहा है यहाँ पर कि 10GB वाला एक वेरिएंट आने वाला है जो कि चाइना मार्केट में लॉन्च ही नहीं हुआ था। तो यहाँ पर सेकंड जो चेंजेस है वो ये है कि 10GB वाला भी एक आपको वेरिएंट मिलने वाला है। दोस्तों इसके बाद बात करें जो चेंजेस आएगा जो चाइना मार्केट से इंडिया मार्केट में, वो है इस बॉक्स में आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट वाला चार्जर भी मिलेगा। जी हाँ इन द बॉक्स आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट वाला चार्जर मिलेगा और काफी अच्छा बात है क्योंकि चाइना वेरिएंट में ये नहीं मिलता है इन द बॉक्स, उसमें 10 वाट का चार्जर मिलता है, यहाँ पर 18 वाट का मिलने वाला है। साथ ही अगर बात करते हैं लास्ट का तो जो है इसका प्राइस जो चाइना मार्केट में है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इंडिया मार्केट में बात करते हैं तो 14,000 रुपया में ये आपका बेस वेरिएंट लॉन्च होगा जो कि है 4GB 64GB। जी हाँ ये जो वेरिएंट है ये 14,000 में आएगा। इसके अलावा एक एडिशनल है जो कि आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्लिपकार्ट को छोड़ के अभी अमेजोन पे ये डिवाइस सेल होगा और ये चार जो चेंजेस हो गए हैं इसको लेके ये डिवाइस इंडिया मार्केट में आएगा और हमें बहुत ही आशा है कि ये डिवाइस अपना जो हीटिंग छोड़ के कोई और प्रॉब्लम ना है उसको फिक्स करके साथ ही MIUI 11 पे आएगा और हमें काफी अच्छा फील कराएगा। तो दोस्तों ये डिवाइस को मैं परचेस करने वाला हूँ दिवाली में, देखता हूँ कितने जल्दी मुझे मिल पाता है, कितना जल्दी मैं इसे परचेस कर पाता हूँ। अगर मैं परचेस कर लिया फर्स्ट में तो जल्दी से आपको अनबॉक्सिंग, फर्स्ट लुक सब चीज दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगे और अगर इस डिवाइस का इंतजार है आपको मेरे चैनल पर तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा चैनल को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए, मिलते हैं किसी और एक वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, बी सेफ।